हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फनी चाटे की वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। हालांकि मैं अपने YouTube चैनल पर ये वीडियो बहुत टाइम बाद अपलोड कर रहा हूं, लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और इस वीडियो से आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि वर्कशॉप में जब मॉड्यूलर किचन बनता है तो उसका क्या क्या प्रोसेसिंग रहता है। आपने अक्सर देखा है कि जब हम किसी कारपेंटर से अपने घर पर फर्नीचर का काम कराते हैं, वो चाहे किसी भी टाइप का फर्नीचर हो और स्पेशल मॉड्यूलर किचन, तो वहाँ पर क्या रहता है, हम कभी भी जाकर वहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि हमारा कारपेंटर किस तरीके से काम कर रहा है, फिनिशिंग कैसी आ रही है, काम करते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रख रहा है हमारा कारपेंटर, और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अपने फर्नीचर को। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम किसी कंपनी को या किसी वर्कशॉप वाले को, जो छोटे मोटे वर्कशॉप होते हैं जहाँ पर अपना फैक्ट्री मेड या वर्कशॉप मेड फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो ये जो वीडियो है ये है मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड। तो क्या होता है कि जब हम किसी किचन के लिए फैक्ट्री या किसी वर्कशॉप को ऑर्डर देते हैं तो वहाँ पर हम चेकआउट नहीं कर सकते, सिर्फ एक विश्वास होता है कि विश्वास के जरिए ही हम पूरा काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट, कलर चॉइस, क्वालिटी सब चीज़ आप मेंशन कर देते हैं, उसी के बेस पे आपका वर्कशॉप मेड या फिर फैक्ट्री मेड काम तैयार होता है, फिर उसके बाद आपके घर पर आकर वो फिटिंग किया जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा पूरी कि फैक्ट्री में जब वर्कशॉप में या किसी भी टाइप के वर्कशॉप में जब फर्नीचर का काम किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाता है, उसका क्या क्या प्रोसेसिंग रहता है, पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। मैं एपिसोड टू एपिसोड यानी कि स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना किसी तरीके आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए, मैंने इसका एक ड्रॉ यानी कि स्केच किया है मॉड्यूलर किचन का। इसका 3D डिज़ाइन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये एक ड्रॉ है जिसके बेस पर अब हम अपना पूरा वर्क तैयार करेंगे, अगर आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये अपर हेड है जिसमें 103 इंच ऐसे है और 132 इंच, और ये सर्विस काउंटर है। और यहाँ पर हमारा लोअर कैबिनेट है जिसमें एक टॉल यूनिट भी है। पूरा डिज़ाइन मैंने यहाँ पे 2D वर्क में तैयार किया है। सबसे पहले मैं आपको मटेरियल बता देता हूँ कि हम मटेरियल कौन सी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा एक्सन टेसा का एंटीप्रो HDHMR है, हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चराइज एंड रेसिस्टेंस बोर्ड है। फंगस, कीड़ा, वाटर, डीमक और 7 ईयर्स वारंटी आपको इस HDHMR बोर्ड में देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 17mm का HDHMR बोर्ड है, बहुत ही सॉलिड और अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो HDHMR का माल है ये पूरा इसी किचन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने यहाँ पर मंगाया है और इसी बेस पे आज हमारा काम तैयार होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ इतना ही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और डिज़ाइन और क्वालिटी क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा होममेड देसी पैनल सा है जो हमने घर पे तैयार किया है, इसी पर आज इस पूरे कैबिनेट की कटिंग की जाएगी और इसी के बेस पर आज हम तैयार करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। आगे की वीडियो के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो से ज़रूर जुड़े रहें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मॉड्यूलर किचन की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिल जाए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।